हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 के हमारे पास क्वेश्चन 1 to 10 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। एक्स कोस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स पूरे की पावर क्या है 1/x। अब हम इसको dy/dx निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट को u मान लेंगे, सेकेंड को v। क्या आ जाएगा, यू लेट यू इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स की पावर एक्स एंड वी इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स पूरे की पावर 1/x। अब वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस वी। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू यू का du/dx प्लस वी का dv/dx। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देंगे हम। अब हमारे पास u इज इक्वल टू क्या है, एक्स कोस एक्स की पावर एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि वेरिएबल है और ऊपर पावर क्या है, वेरिएबल, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। इधर क्या आ जाएगा, log of u इज इक्वल टू log of x cos x की पावर x आ जाएगा आपके पास। log of u as it is इक्वल टू, अब log लगा दिया तो हमारे पास ऊपर जो पावर वो आगे आ जाएगी, x log of x cos x। log of इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log of u का 1/u du/dx इज इक्वल टू x as it is रख लिया, मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव करेंगे log of, अब log of का करेंगे तो 1/x cos x आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसका करेंगे u into v लगा देंगे, x as it is cos x का माइनस साइन x प्लस cos x as it is और x का 1 हो जाएगा, ब्रैकेट कवर प्लस, फिर इसको एक एज इट इज रखेंगे, लॉग ऑफ एक्स कोस एक्स एज इट इज और एक्स का क्या हो जाएगा 1। अब du/dx इज इक्वल टू हमारे पास u इधर लेके आएंगे तो u क्या है हमारे पास, एक्स कोस एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स से एक्स कैंसिल हो गया था, क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स साइन बाई कोस 10x प्लस कोस बाई कोस कैंसिल होके 1 बचेगा, प्लस ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स कोस एक्स, ये पूरा का पूरा एज इट इज रख लिया। अब du/dx इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स की पावर एक्स इंटू 1 को आगे लिख लिया 1 माइनस एक्स 10x प्लस लॉग ऑफ एक्स कोस एक्स। उसके बाद हमारे पास v इज इक्वल टू क्या दे रखा है, v इज इक्वल टू दे रखा है x साइन x की पावर 1/x, टेकिंग लॉग बोथ साइड रखेंगे, दोनों साइड लॉग रख के हमारे पास क्या आया, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू 1/x लॉग ऑफ x साइन x, जो पावर थी वो आगे आ गई 1/x और अंदर क्या बचेगा, लॉग ऑफ x साइन x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा, 1/v dv/dx इज इक्वल टू 1/x एज इट इज, इसका करेंगे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ का 1/x साइन x एज इट इज मल्टीप्लाई, फिर x साइन x पे u इनटू v लगाएंगे, x एज इट इज साइन x का कोस x प्लस x का 1 हो जाएगा और साइन x एज इट इज ब्रैकेट ओवर प्लस log of x sin x एज इट इज 1/x का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, -1/x2। अब v को इधर लेके आएंगे, v हमारे पास क्या था, x sin x की पावर 1/x एज इट इज, ब्रैकेट कवर कर देंगे, देखो अब इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, x x मल्टीप्लाई कर दिए इससे 1/x2 sin x ये, और अंदर क्या है, sin x प्लस x cos x प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाई -1/x2 dv/dx इसको बाहर ले लिया। अब दोनों में एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर और इधर हमारे पास क्या है, साइन एक्स इसके नीचे लेके जाएंगे, साइन से साइन कैंसिल होके क्या आया 1 प्लस इसके नीचे लेके जाएंगे तो x और cos by sin क्या हो जाएगा, cot x माइनस यहाँ क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस log of x sin x। अब जो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई दोनों को फर्स्ट में पुट कर देंगे क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। नेक्स्ट है फाइंड dy/dx ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 12 to 15। क्वेश्चन नंबर 12 to 15 के लिए आपको क्या निकालना है, dy/dx। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। टेकिंग अब देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड करना है तो उसके लिए दोनों फंक्शंस को अलग अलग नोट करेंगे, u इज इक्वल टू x की पावर y एंड v इज इक्वल टू y की पावर x, u प्लस v इज इक्वल टू इसके 1 के। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, du/dx प्लस dv/dx इज इक्वल टू 1 का 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे इसका,
u इज इक्वल टू x की पावर y, टेकिंग लॉग बोथ साइड रखेंगे इधर क्या आएगा, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x की पावर y, पावर आगे आ जाएगी क्या आ जाएगा, y log x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब लॉग ऑफ u का 1 बाई u du बाई dx इज इक्वल टू y एज इट इज रख देंगे, log ऑफ x u इंटू v लगाया, log ऑफ x का 1 बाई x प्लस log ऑफ x एज इट इज और y का dy बाई dx। अब 1 बाई u है, 1 बाई u को उधर लेके जाएंगे क्या आ जाएगा हमारे पास u हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 बाई u du बाई dx, ये आपके पास आ गया। अब u को इधर लेके आए, u क्या है x की पावर y इंटू y बाई x प्लस log ऑफ x dy बाई dx। फिर हमारे पास दूसरा क्या है, v इज इक्वल टू क्या दे रखा है, y की पावर x, टेकिंग log बोथ साइड से इधर क्या आ जाएगा, log v इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा, x log y, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इधर क्या आ जाएगा, log ऑफ v का 1 बाई v dv बाई dx इज इक्वल टू x एज इट इज और log y का क्या आएगा 1 बाई y का dy बाई dx प्लस log y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 dv by dx, 1 by v को इधर लेके आए, v क्या है y की पावर x into x by y dy by dx plus log of y, put in equation, first equation में put करेंगे du plus dx is equal to 0। अब देखो इसको जब हमने अंदर किया, यहाँ पे हमारे पास क्या है x है, अगर हमने इसका LCM ले लिया x तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x, पहले हमने इसको अंदर लेके आए क्या आ जाएगा y, x की पावर y ऊपर है और एक पावर नीचे से जाएगी तो माइनस हो जाएगी x की पावर y माइनस 1 प्लस इसके और इसके मल्टीप्लाई x की पावर y log x dy by dx प्लस इसकी एक पावर माइनस में आ जाएगी तो क्या आ जाएगा y की पावर x माइनस 1 और x dy by dx प्लस इसकी मल्टीप्लाई y की पावर x log y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या आ जाएगा, dy by dx कॉमन ले लेंगे क्या आएगा x की पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू में, अब देखो इन दोनों में से हमारे पास ये दोनों टर्म इधर लेके आए, दोनों माइनस के हो जाएंगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा क्या आ जाएगा y की पावर x log y और इधर आ जाएगा ये भी क्या हो जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू y dy by dx is equal to, ये आपको पहले से इधर दे रखा है, ये इधर मल्टीप्लाई था इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा dy by dx। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, y की पावर x is equal to x की पावर y, अब पहले ही अपोजिट में दे रखे हैं तो डायरेक्ट क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या आ जाएगा, log of y की पावर x इज इक्वल टू log of x की पावर y, अब जो पावर है वो आगे आ गई x log y इज इक्वल टू इधर आगे आ जाएगी y log x, अब हम इसमें डेरिवेटिव कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x को एज इट इज रखा, log y का क्या आ जाएगा 1 बाई y और y का dy बाई dx प्लस log y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू y एज इट इज log x का 1 बाई x प्लस log x एज इट इज y का dy बाई dx, इधर आया आपके पास x बाई y dy बाई dx माइनस log of, इधर से इसको लेके आई तो इधर माइनस आ जाएगा log of x dy बाई dx इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा y बाई x माइनस, ये प्लस था इधर आ गया माइनस log y, दोनों में से कॉमन हो जाएगा dy बाई dx, x बाई y माइनस log x इज इक्वल टू इधर से हमारे पास LCM क्या आ जाएगा x, y माइनस x log y डिवाइडेड बाई x, इधर से LCM क्या आ जाएगा y आ जाएगा x माइनस y की और इसके मल्टीप्लाई y log x इज इक्वल टू y माइनस x log y, अब dy बाई dx ये इधर से इधर आएगा तो ये इधर डिवाइड था इधर मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई था ये इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाई dx। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, cos of x की पावर y इज इक्वल टू cos of y की पावर x, cos of x की पावर y इज इक्वल टू cos of y की पावर x, टेकिंग log बोथ साइड रखेंगे आगे आ जाएगा log of cos x की पावर y इज इक्वल टू log of cos y की पावर x, y पावर आगे आ गई क्या आ जाएगा y log cos x इज इक्वल टू इधर आगे आ जाएगी x log cos y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y एज इट इज रख लिया log of cos x का 1 बाई cos x और cos का क्या आ जाएगा माइनस sin x प्लस log of cos x एज इट इज और y का क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू x एज इट इज रख लिया log of cos y का 1 बाई cos y और cos का क्या आ जाएगा माइनस sin y और y का dy बाई dx प्लस log of cos y और x का क्या आ जाएगा 1, अब देखो इधर से क्या आया माइनस बाहर ले लेंगे
वाई और साइन वाई कोस क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी माइनस आ गया आ जाएगा एक्स साइन वाई कोस टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ कोस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक साइड करेंगे, दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या बचेगा लॉग ऑफ कोस एक्स, इधर माइनस था इधर आया प्लस हो गया और क्या आ जाएगा एक्स टेन वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोस वाई, और ये इधर माइनस है इधर ओके प्लस हो जाएगा वाई टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में आ जाएगा और यही हमें फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस वाई। अब देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड रखा हमने, लॉग बोथ साइड रखेंगे इधर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई और पावर में थी एक्स माइनस वाई। फिर हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि लॉग ऑफ ई किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल, या फिर ये बोल देंगे लॉग से ई खत्म हो जाता है वन आता है हमारे पास, तो ये खत्म हो गया क्या बच गया एक्स माइनस वाई। इधर लॉग ऑफ एम इन टू एन मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाया क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, एम की जगह एक्स है और एन की जगह वाई। डिफ्रेंशिएट कर देंगे लॉग ऑफ एक्स का वन बाई एक्स प्लस लॉग वाई का वन बाई वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्या आ जाएगा वन माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स। इधर क्या आएगा वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस था इधर आएगा प्लस हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, और इधर प्लस था इधर आ जाएगा माइनस में वन बाई एक्स इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा एक्स की और वन की मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन बाई एक्स। इधर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा वन बाई वाई प्लस वन, एलसीएम लेंगे वाई आ जाएगा क्या आ जाएगा वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स। इधर लेके जाएंगे डिवाइड था इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई था उधर डिवाइड में आ जाएगा, यही हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन बाई, आपको एक फंक्शन दे रखा है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एंड हैंस फाइंड, और फाइंड करना एफ डैश वन, जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे उसके अंदर एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे वन, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स की फोर इंटू वन प्लस एक्स की एट। टेकिंग लॉग रखेंगे क्योंकि चार हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई में है तो लॉग रख लेंगे और सभी अलग अलग हो जाएंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड से इधर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सभी मल्टीप्लाई में एज इट इज रख लिया। फिर ओपन करेंगे लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मल्टीप्लाई में है तो प्लस में ओपन होते हैं तो क्या कर देंगे लॉग ऑफ वन प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स की फोर प्लस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स की एट। डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा लॉग ऑफ है तो वन बाई एफ एक्स और एफ एक्स का एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का क्या आ जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स प्लस इसका करेंगे क्या आ जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव टू एक्स प्लस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स की पावर फोर इसका करेंगे वन प्लस एक्स की फोर और एक्स की फोर का फोर एक्स क्यूब प्लस इसका करेंगे वन बाई वन प्लस एक्स की एट मल्टीप्लाइंग एक्स की एट का क्या आ जाएगा एट एक्स की पावर सेवन। अब देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इधर एफ एक्स आया और ये हमारे पास आ जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब बाई वन प्लस एक्स की फोर प्लस एट एक्स की सेवन बाई वन प्लस एक्स की एट। पुट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन पुट करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, अगर एफ वन अप्लाई करते हैं तो वन प्लस वन सभी में वन प्लस वन आए क्योंकि वन की पावर टू करो फोर करो फाइव करो वन नहीं आएगा तो कितने टाइम्स आ जाएगा फोर टाइम्स और क्या आ जाएगा सिक्सटीन। अब एफ डैश वन क्या आ जाएगा एफ वन और इज इक्वल टू वन बाई वन प्लस वन प्लस टू इंटू वन प्लस वन सभी में वन अप्लाई कर दिया। अब एफ वन क्या था हमारे पास सिक्सटीन, इधर क्या आ जाएगा वन बाई टू प्लस टू वन जा टू बाई टू प्लस फोर बाई टू प्लस एट बाई टू कैंसिल कर देंगे वन बाई टू प्लस वन प्लस टू से कैंसिल हो गए टू प्लस टू से कैंसिल हो गए फोर फोर टू सिक्स और वन सेवन, सेवन और वन बाई टू को अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना सेवन टू जा फोर्टीन और वन फिफ्टीन बाई टू, टू से कैंसिल हो गया एट पे फिफ्टीन और एट की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी वन हंड्रेड ट्वेंटी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। डिफरेंशिएट 17 क्वेश्चन में है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट इन टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन इज थ्री वेज, इसके थ्री वे दिए गए हैं आपको उन तीन वे से आपको बताना है कि डिफरेंशिएट क्या होगा।
बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अप्लाई किया हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट को एज इट इज रखा डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड का डेरिवेटिव कर देंगे प्लस सेकेंड को एज इट इज रखा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा 3x² प्लस 7x का डेरिवेटिव 7 प्लस ये एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर का क्या आ जाएगा 2x-5। अब डेरिवेटिव निकालेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव निकाल दिया x² 3x² की क्या आ जाएगा 3x की 4, x² और 7 की 7x² माइनस 5 3 15x³ माइनस 7 5 35x प्लस 8 3 24x² प्लस 8 7 56 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही x³ की और 2x की 2x की 4 माइनस 5x³ 7 2 14x² माइनस 7 5 35x 9 2 18x 9 5 45। अब इनको इकट्ठा कर लिया 3x की 4 प्लस 2x की 4 5x की 4, अब आ जाएगा 15x³ और x³ कहाँ है 15x³ है ओनली, इसके अलावा हमारे पास x³ की कोई भी टर्म नहीं, ये रही 5x³, 15 और 5 क्या आ जाएगा माइनस 20x³, उसके बाद 24x² और 14x² और प्लस 7x² 24 प्लस 14 38, 38 प्लस 7 45x² माइनस 35x, उसके बाद आया माइनस 35x और प्लस 18 35 35 70 70 में से 18 माइनस कर देंगे 52x प्लस इधर से क्या आएगा हमारे पास 56 माइनस 45 क्या आ जाएगा प्लस 11। ये आ गया हमारे फर्स्ट से प्रोडक्ट रूल से। सेकंड हमारे पास जो रूल है वो क्या है, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ए सिंगल पॉलिनोमियल, दो नंबर आपको दे रखे हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो पॉलिनोमियल आती है उसको एक्सपेंड करके उसको सॉल्व करेंगे। y हमारे पास ये दे रखा है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो क्या आ जाएगा x² की x की 5, x² और 7x की 7x³, x² और 9 की 9x² माइनस 5x की 4 आ जाएगा 5 7 जा 35x² 9 5 जा 45x 8x³ 8 7 जा 56x 8 9 जा 72। y इज इक्वल टू x की पावर 5 आ जाएगा और माइनस 5x की 4 7x³ प्लस 8x³ कितना आ जाएगा 15x³ माइनस 9x² और प्लस माइनस 35x² 35 में से 9 माइनस कर देंगे 26x² प्लस, अब हमारे पास x के लिए 45x और 56 56 में से 45 करेंगे माइनस क्या आ जाएगा प्लस 11x प्लस 72। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्या आ जाएगा डेरिवेटिव निकाला इधर इसका क्या आ जाएगा 5x की 4 माइनस 5 4 जा 20x³ प्लस 15 3 जा 45x² माइनस 26 2 जा 52 और x प्लस 11 और x का क्या हो गया 1 और ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या हो गया 0। थर्ड है हमारे पास बाय लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। थर्ड हमारे पास लॉगरिथम का अगर हमने निकाला तो क्या आ गया y इज इक्वल टू, अब हमारे पास दो नंबर है, टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे लॉग इधर क्या आ जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ m इंटू n, अप्लाई कर देंगे लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, डेरिवेटिव किया 1 by y dy by dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ है तो 1 by 1 बार एज इट इज आएगा x² माइनस 5x प्लस 8, डेरिवेटिव करेंगे x² का 2x माइनस 5 प्लस लॉग ऑफ लगा दिया एक बार डिवाइड में आएगा पूरा पूरा, फिर इसका डेरिवेटिव 3x² और 7x का 7 dy/dx 1 by y को इधर लेके आए, y हमारे पास क्या है ये एज इट इज फंक्शन ये रख दिया इनटू 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x² प्लस 7 by x³ प्लस 7x प्लस 9 ये एज इट इज रखेंगे, इसका एलसीएम ले लिया हमने, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसके और इसके मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, पूरे को हम सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2x की 4 है और हमारे पास क्या है 2x की 4, इसके अलावा 3x की 4, 2 प्लस 3 5x की 4 आ जाएगा और 15x³ आ जाएगा हमारे पास से, और क्या है हमारे पास x³ 15x³ माइनस यहाँ 5 आएगा बेटा 15 और 5 20x³, उसके बाद हमारे पास थर्ड क्या है x² 14x² प्लस 7x² कितना आ जाए 21 21 प्लस 24x² 45x² आ जाएगा माइनस 18
35 35 35 35 70 70 में 18 जाएगा 52x प्लस 56 में 45 माइनस कर दिया 11। तो हमारे पास हमने तीन वे थे जो थ्री वेज से हमने डिफ्रेंशिएशन निकाला, लेकिन तीनों से हमारे पास क्या आएगा, सेम। तो क्या बोल देंगे, इट इज सेम, कि तीनों से हमारे पास जो डेरिवेटिव आया वो क्या आया है, सेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इफ u, v एंड w आर functions of x, देन शो दैट, आपको फंक्शन दे रखे u, v और w, तीन फंक्शन दे रखे हैं और तीनों फंक्शन से हमें शो करना है। टू वेज, दो वे से हमें शो करके दिखाना है। फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, हाँ एक तो हमें किससे करना है, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, और दूसरा क्या है, लॉगरिथम। अगर प्रोडक्ट रूल से करना है तो देखते हैं दोनों से करके। लेट y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, अब हमें इसको दो फंक्शन मान के चल रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, यू को एज इट इज कर लिया डेरीवेटिव ऑफ v इंटू डब्ल्यू, प्लस v इंटू डब्ल्यू को एज इट इज रख लिया डेरीवेटिव ऑफ u, dy by dx is equal to u as it is, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो u v into w, दो आ गए हमारे पास, u into v का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार v को as it is रख लिया डेरिवेटिव ऑफ w, प्लस w को as it is डेरिवेटिव ऑफ v, ब्रैकेट क्लोज, प्लस v into w as it is, इसका डेरिवेटिव करेंगे du by dx, इधर एज इट इज u हमारे पास क्या आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया u इंटू वी डेरीवेटिव ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, प्लस यू इंटू डब्ल्यू और डी वी बाई डी एक्स, प्लस वी इंटू डब्ल्यू और डी यू बाई डी एक्स, ये हमने फर्स्ट से निकाल दिया और यही हमें शो करना था। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, डिफ्रेंशिएट बाई लॉगरिथम। लॉगरिथम से कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इधर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, log of y is equal to, मल्टीप्लाई में है तो प्लस में ओपन होगा, log of u प्लस log of v प्लस log of w, इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log of u का 1 बाई u और u का du बाई डी एक्स, प्लस log of v का 1 बाई v और dv बाई डी एक्स, प्लस log of w 1 बाई w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y को इधर लेके आए मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 by u du by dx plus 1 by v dv by dx plus 1 by w dw by dx। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, u into v into w, ये आपके पास वैल्यू थी dy by dx की, और ब्रैकेट में एज इट इज, अब इसको अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास u से u कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, v into w और du by dx, प्लस सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे v कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, u into w और dv by dx, प्लस थर्ड से करेंगे w कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, u इंटू वी और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.5। ओके, थैंक यू।